नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। जिला कांगड़ा के चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के 16वें दीक्षांत समारोह की राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर्णी की अध्यक्षता, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि रहे उपस्थित। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा, प्रदेश में 3000 स्ट्रीट वेंडर्स को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत मिला 3 करोड़ का ऋण। महबूबा मुफ्ती के तालिबानी बयान पर अनुराग ठाकुर का पलटवार, बोले धारा 370 हमेशा के लिए खत्म। हॉलमार्किंग यूनिक आईडी के विरोध में ज्वेलर्स हड़ताल पर, केंद्र सरकार से फैसला वापस लेने की मांग। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। जिला कांगड़ा के चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने 16वां दीक्षांत समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने की, जबकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। अपने संबोधन में राज्यपाल ने युवा वैज्ञानिकों और डिग्री धारकों से अपील की कि वे रोजगार की तलाश के बजाय रोजगार प्रदाता बने। इसके लिए उन्हें स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ना चाहिए। उनके ज्ञान का लाभ समाज विशेषकर कृषि समुदाय को मिलना चाहिए। इससे पूर्व राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में 1,13,00,000 रुपए की लागत से निर्मित हरित अतिथि गृह और विश्वविद्यालय की डिजी लॉकर और वेबसाइट के अपडेट वर्जन का भी लोकार्पण किया। जिला कांगड़ा के चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर का 16वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने की, जबकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस दौरान राज्यपाल ने कहा, युवा देश की संपदा है और उन्हें राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। उन्होंने युवाओं से अपने जीवन में अनुशासन, देशभक्ति, ईमानदारी और समर्पण जैसे मूल्यों को विकसित करने का आग्रह किया। आर्लेकर ने कहा कि अनुसंधान और तकनीक के माध्यम से नवाचार बड़े पैमाने पर कृषि समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होगा। राज्यपाल ने स्वर्ण पदक विजेताओं, सभी डिग्री धारकों और पूर्व विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार द्वारा 1 नवंबर 1978 को विश्वविद्यालय के रूप में रोपा गया यह पौधा आज देश में उच्च शिक्षा का केंद्र बन गया है। शांता कुमार की इस परिकल्पना को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और इस दिशा में योगदान देना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार की दिशा में अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा है। जो अपने युवा पीढ़ी है अपनी, उनके लिए है। उन्होंने आज जो उपाधि अपने हाथ में ली है, उनके लिए ये कार्यक्रम है। और इस पूरे कार्यक्रम का नाम कोई विद्यार्थी मुझे बताए, क्या बोलते हैं इसको? दीक्षांत समारोह। इसको शिक्षांत समारोह नहीं बोलते। जिन्होंने उत्तरोत्तर कुछ प्रगति की है, जैसे कि शांता कुमार जी ने इसका सपना देखा, एक छोटा सा पौधा लगाया और आज वो केवल वटवृक्ष बना है, ऐसा नहीं, इससे भी बड़ा एक यहाँ वृक्ष बना हुआ है कि जिसके छाया में हम यहाँ आकर पढ़ते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि शांता कुमार जी ने एक जो दृष्टिकोण हमको दिया, उन्होंने उस समय 45 साल पहले जो एक दृष्टि संजोगी थी, उस दृष्टि को हमको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय देश के हिमालयी राज्यों के कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी विश्वविद्यालयों में से एक है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की 90% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि है। इसलिए प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के बिना प्रदेश के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कृषि के इस योगदान को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने उत्पादन में सुधार, रोजगार के अवसर सृजित करने और परिवार की आय को बढ़ाने के लिए विभिन्न
योजनाएं शुरू की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी कृषि क्षेत्र ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस महामारी का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, लेकिन कृषक समुदाय ने यह सुनिश्चित किया है कि देश की घटती अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ सहयोग प्रदान किया जाए। और इसलिए जो भी कृषि से संबंधित कानून की अगर बात कहें, उस दिशा में कदम उठाया, विरोध हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जो किसानों के हित में है वो करने की ठान ली और आगे बढ़ करके निर्णय लिए। और आज हमें इस बात को भी लेकर के प्रसन्नता है कि पूरे देश भर में जो ऐसे किसान, छोटे किसान जिनके पास जमीन ज्यादा नहीं है, कम है, उनके लिए किसान सम्मान निधि की योजना की। फसल अगर अच्छी होगी तो वो आपकी, अगर फसल अच्छी नहीं हुई, बारिश हुई, तूफान हुआ, सूखा पड़ गया, तो भी हम आपको मदद करने के लिए, जिसके पास 25 बीघा से कम जमीन है उस व्यक्ति को किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपये साल का, पैसा ज्यादा नहीं, लेकिन भाव उसमें देखिए, भाव उसमें मदद करने, किसानों की मदद करने की दिशा में आगे बढ़कर के काम करना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा के हमीरपुर पहुंचने पर यहां गांधी चौक पर हुई जनसभा के दौरान अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लोगों द्वारा दिए जा रहे मान सम्मान से भावुक हो गए और उनकी आंखें भी भर आई। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जगह जगह पर 3 घंटे देरी होने के बावजूद भी लोगों, विशेषकर माताओं और बहनों ने लंबा इंतजार करके गले लगाया है। उन्होंने कहा कि लोगों के आशीर्वाद से ही आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं और हर वक्त लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। हमीरपुर में अनुराग ठाकुर की जनसभा में उनके पिता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी मौजूद रहे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के स्वागत के लिए जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान हमीरपुर गांधी चौक पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर, खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग, उद्योग एवं परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह द्वारा स्वागत किया गया। वहीं कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और पटाखे जलाकर उनकी खुशी का इजहार किया। हमीरपुर गांधी चौक पर कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपने संबोधन के दौरान अपने आप को रोक नहीं सके और भावुक हो गए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जगह जगह पर 3-3 घंटे देरी होने के बावजूद भी माताओं और बहनों ने लंबा इंतजार करके उन्हें गले लगाया है। उन्होंने कहा कि लोगों के आशीर्वाद से आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं और हर वक्त लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। ये जन आशीर्वाद यात्रा एक जन आंदोलन का रूप इसने लिया है। लोगों का इस तरह से जुड़ना, भावनात्मक तौर पर जुड़ना, आज भी कोई 91 साल के बुजुर्ग, कोई 95 साल के, कोई 97 साल, 3-3 घंटे तक धूप में खड़े रहकर, जिनको शायद आज मुझसे कुछ भी ना चाहिए, क्या चाहिए होगा 95 साल की उम्र, लेकिन वो आए, आए भी और आशीर्वाद दिया भी, गले भी लगाया। बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी थी जिन्होंने शायद वोट किया होगा, वोट के माध्यम से भी आशीर्वाद दिया होगा। 3 घंटे धूप में खड़े होकर गले लगाकर आशीर्वाद दे, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, सगा संबंधी नहीं था, लेकिन इतना था उनको कि हमारे हिमाचल का बेटा आज मोदी सरकार में इस मुकाम पर पहुंचा। विरोधी से आपका सामना है, कोई झूठ बोलने में माहिर है,
आप भारतीय संस्कृति को मानते हो, नेकी करो कुएं में डाल। उनकी संस्कृति ये है कि गलत कर और दुष्प्रचार कर। एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, जब नोटबंदी हुई ब्लैक मनी खत्म करने के लिए, तो विपक्ष की पार्टियों ने क्या कहा, सैकड़ों लोग बैंक पैसे लेने गए थे, बेचारा लाइन में खड़ा था, वहीं मर गया, पैसा नहीं मिला। अभी अनुराग जी कह रहे थे कि 115 महीने से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलता रहा, कोई खबर आई कोई मरा लाइन में लगा हुआ। देश में कुल खाते 40 करोड़ है और बैंक से पैसे लेने गए तो मर गए, और 80 करोड़ लोग 15 महीने से राशन ले रहे हैं, मुफ्त ले रहे हैं, सस्ता ले रहे हैं, लेकिन किसी के मरने की खबर नहीं है। अंदाजा ऐसे लग सकता है। मैं जानता हूँ उन्होंने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि पोर्टेबल लंच राशन के बाद है, और आप भी बहुत सारे भूखे बैठे हैं। मैं तो आता रहूँगा और छोटे छोटे जलसे भी कर लेंगे, बड़े भी कर लेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो गई है। दरअसल दो दिन पहले कांग्रेस से एक विधायक ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा को जन आफत यात्रा करार दिया था। उन्होंने कहा था कि कोरोना के संकट काल में यह यात्रा लोगों के लिए आफत लेकर आएगी और महामारी के दौर में लोग बीमारी की चपेट में आएंगे। अब पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं के पास ना तो कोई नीति है और ना ही कोई मुद्दा। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेता सही कह रहे हैं, क्योंकि जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जिस तरह केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा को जन समर्थन मिल रहा है, ऐसे में यह यात्रा अब कांग्रेस के लिए आफत यात्रा बनती दिखाई दे रही है। यात्रा बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आफत यात्रा अब कांग्रेस के लिए बनती जा रही है, क्योंकि छोटे से प्रदेश में जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष इतनी बड़ी पार्टी के हों और वहीं पर ही इतने बड़े केंद्रीय मंत्री जो है वो सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री का एक बहुत बड़ा दायित्व अनुराग जी को दिया हो, और जनता आज उनकी आंखें जो है वो बिछा करके बैठी है उनके स्वागत के लिए, और जिस तरह से जो हजूम जो है वो सड़कों पर दिख रहा है वो वास्तव में कांग्रेस के लिए आफत यात्रा है। वो ठीक कह रहे हैं, शब्द का उन्होंने ठीक से चयन जो है उन्होंने किया है। दिल की गहराइयों से उनका स्वागत कर रहे हैं, पूरी प्रदेश की जनता जहाँ जहाँ भी अनुराग जी गए, जनता ने उनके स्वागत में कोई कमी नहीं दिखाई, और जिससे ये पूरा स्पष्ट होता है कि केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी का जो है वो जनता ने आभार व्यक्त किया कि उन्होंने एक छोटे से प्रदेश को इतना बड़ा महत्व जो है वो दिया है। हम सब उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बीते साल अक्टूबर माह में हमीरपुर में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने डिपो संचालकों को कोरोना वॉरियर्स घोषित किया था और डिपो होल्डर्स के लिए लाखों रुपए का बोनस देने की घोषणा की थी, लेकिन डिपो संचालकों को आज तक सरकार द्वारा कोई बोनस नहीं दिया गया है। घुसाए डिपो संचालकों ने जिला मुख्यालय कुल्लू के ढालपुर मैदान में सांकेतिक धरना दिया और प्रदेश सरकार को जताया कि यदि घोषणाओं को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वे 1 अक्टूबर से राशन नहीं उठाएंगे और सभी डिपो को बंद कर सरकार का विरोध करेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा की गई घोषणाओं के पूरा न होने के चलते हिमाचल प्रदेश के डिपो होल्डर्स अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वहीं कोरोना वॉरियर्स का दर्जा मिलने के बाद भी उन्हें बोनस भी नहीं मिल पाया है। ऐसे में अब डिपो होल्डर्स ने भी प्रदेश सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया है। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के मैदान में जिला कुल्लू के डिपो होल्डर्स ने सांकेतिक धरना दिया। वहीं डिपो होल्डर्स ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार द्वारा जारी की गई घोषणाओं को लागू नहीं किया गया तो वे 1 अक्टूबर से राशन नहीं उठाएंगे और सभी डिपो होल्डर्स अपने डिपो को बंद कर सरकार का विरोध करेंगे। हिमाचल प्रदेश डिपो होल्डर संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रवीण सूद का कहना है कि बीते
साल अक्टूबर माह में हमीरपुर में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने स्वयं माना था और डिपो होल्डर्स को कोरोना वॉरियर्स घोषित किया था, लेकिन कोरोना वॉरियर के तौर पर मिलने वाली कोई भी सुविधा उन्हें प्रदान नहीं की गई। इतना ही नहीं, डिपो होल्डर्स के लिए लाखों रुपए का बोनस देने की भी घोषणा खाद्य आपूर्ति मंत्री द्वारा की गई थी, जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में अब सभी डिपो होल्डर्स के मन में सरकार के प्रति भारी रोष है। प्रवीण सूद का कहना है कि अगर एक माह के भीतर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो वे 1 अक्टूबर से खाद्य आपूर्ति विभाग के गोदामों से राशन नहीं उठाएंगे और प्रदेश भर में सभी डिपो को बंद किया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश सरकार खुद जिम्मेदार होगी। माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हिमाचल प्रदेश श्री राजेंद्र गर्ग जी ने 10 अक्टूबर को हमीरपुर में अपने मंच से ये कहा था कि डिपो होल्डर को कोरोना वॉरियर घोषित किया जाता है और 24,44,000 रुपया बोनस के तौर पर पूरे हिमाचल प्रदेश के विक्रेताओं को, सहकारी सभाओं के विक्रेताओं को और निजी डिपो धारकों को जो है बोनस के तौर पर दिया जा रहा है, लेकिन वो मांग हमारी आज दिन तक पूरी नहीं हुई। हमने उनके समक्ष अपनी 10 मांगें रखी थी, जिनमें से 7 मांगें उन्होंने पूरी करने का हमें आश्वासन दिया था, जो आज दिन तक एक भी मांग पूरी नहीं हुई। हमें बहुत रोष है, हम इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से रोष प्रकट कर रहे हैं कि सरकार हमारी ओर कोई भी ध्यान दे नहीं। हमारी निवेदन है सरकार से और माननीय मंत्री महोदय से कि डिपो होल्डरों के भी परिवार हैं, उनके परिवारों को ध्यान में रखते हुए उस इसके बारे में कोई ठोस नीति बनाई जाए ताकि हम लोग अपने परिवारों का पालन पोषण सही ढंग से कर सकें। हमने कोरोना काल में जब सब लोग अपने घरों में बैठे थे तो अपने आप को असुरक्षित महसूस किया, ना तो हमें किट दी गई और ना मास्क दिए गए और ना हमें सैनिटाइजर दिए गए, लेकिन डिपो होल्डरों ने पूरे हिमाचल प्रदेश में फिर भी अपना ईमानदारी से काम किया और आम जनमानस तक राशन पहुंचाया। लेकिन सरकार के किसी भी अधिकारी या किसी भी मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ तक अनाउंस नहीं किया कि आपको हम हर चीज़ उपलब्ध करवाएंगे। इसी के बारे में है कि हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि हम लोग जो है शांतिपूर्ण ढंग से 11 बजे से 3 बजे तक पूरे हिमाचल प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि सरकार हमारे बारे में कोई ठोस नीति बनाती है तो हमें उसके बारे में सोचना होगा, अन्यथा हम 1 अक्टूबर से पूरे हिमाचल प्रदेश में राशन नहीं उठाएंगे, जिसका पूरा खामियाजा भुगतना सरकार को पड़ेगा और हमारा कोई दोष नहीं होगा उसमें, क्योंकि आम जनमानस तक जब राशन नहीं पहुंचेगा तो आम जनमानस जो है वो भूखे रहने के लिए मजबूर होगा, उसकी सारी जिम्मेदारी विभाग की होगी और सरकार की होगी। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए सभी संबंधित विभाग अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक करने के लिए हर स्तर पर प्रयास करें। स्थानीय बचत भवन में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्हें बताया कि अभियान को प्रभावी बनाने के लिए सभी विभागों की जिम्मेदारी अहम है। उपायुक्त ने बताया कि जिला को नशा मुक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावकों के लिए भी जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले साल 15 अगस्त 2020 को जो है वो नशा मुक्त भारत अभियान स्टार्ट हुआ था, तो उसका जो है उसमें जो भी गतिविधियां हुई हैं वो सारी गतिविधियों का आज रिव्यू किया गया और आगे की जो कार्य योजना है उसको तय किया गया है। तो उसमें ब्रॉडली जो है हमने ये डायरेक्शन दिए हैं कि जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं स्कूल के, वो लोग ये इंश्योर करेंगे कि सारे स्कूल्स में जो है ऑनलाइन कॉम्पिटिशन वगैरह हो, अवेयरनेस कैंपेन वगैरह चलाए जाएं, जिसमें बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाए। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो ये ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें जो इस तरह की चीज़ों की जो है सप्लाई करते हैं, जो नशीले पदार्थों की सप्लाई करते हैं, और उनके विरुद्ध जो है वो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। गोल्ड ज्वेलरी पर अनिवार्य हॉलमार्क के तहत हॉलमार्किंग यूनिक आईडी के विरोध में देश भर में ज्वेलर्स हड़ताल पर है। राजधानी शिमला में भी सराफा कारोबारियों ने दुकानें बंद कर हॉलमार्किंग यूनिक आईडी का विरोध किया। कारोबारियों ने केंद्र सरकार पर जल्दबाजी में हॉलमार्किंग यूनिक आईडी लागू करने के आरोप लगाए। ज्वेलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अतुल टांगरी ने बताया कि सरकार ने 16 जून 2021 से हॉलमार्किंग करना अनिवार्य कर दिया है, जिसका सभी ज्वेलर स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कारोबारियों की सरकार से मांग है कि हॉलमार्क को लागू रखा जाए लेकिन हॉलमार्किंग यूनिक आईडी के नियम को वापस लिया जाए।
गोल्ड ज्वेलरी पर अनिवार्य हॉलमार्किंग HUID को लेकर देश भर के ज्वेलर सोमवार को सांकेतिक हड़ताल पर हैं। आभूषण विक्रेता सोने के आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग के मनमाने ढंग से कार्यान्वयन के खिलाफ हड़ताल कर दुकानें बंद रखे हुए हैं। वहीं शिमला के आभूषण विक्रेताओं ने भी सोमवार को अपनी दुकानें बंद रखी। बता दें, इस सांकेतिक हड़ताल को देश भर के रत्न एवं आभूषण के 350 संघ और महासंघ समर्थन कर रहे हैं। गौर रहे कि 16 जून 2021 से देश भर में चरणबद्ध तरीके से हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने हॉलमार्किंग को लागू करने के लिए 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 256 जिलों की पहचान की है। शिमला ज्वेलर एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल टांगरी का कहना है कि एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल HUID के मनमाने ढंग से क्रियान्वयन के खिलाफ है। यह कानून अव्यवहारिक और असंभव है। HUID का सोने की शुद्धता से किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है और इसे ज्वेलर्स स्वीकार नहीं कर सकते। BIS को लगता है कि नया HUID से सोने की शुद्धता में सुधार होगा, लेकिन ज्वेलर्स को लग रहा है कि ये सिर्फ एक ट्रैकिंग तंत्र है। ज्वेलर्स ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो आने वाले समय में वे सरकार के इस फैसले के खिलाफ और उग्र आंदोलन करेंगे। आज 23 अगस्त को हमारे को मजबूर होना पड़ा है एक दिन के लिए सांकेतिक हड़ताल करने के लिए। ये ऑल इंडिया कॉल के ऊपर है जिसमें हिमाचल भी बढ़ चढ़ के साथ दे रहा है और शिमला भी, बाजार पूरा बंद है। इसमें हमारे मुख्य जो पॉइंट है वो ये है कि सरकार ने मैंडेटरी हॉलमार्किंग शुरू की है 16 जून से, वो हम उसका स्वागत करते हैं। और हम लोग सन 2006 से पूरे के पूरे जितने हमारे शिमला के ज्वेलर हैं, हिमाचल के ज्वेलर हैं, सब हॉलमार्क का आभूषण ही बेच रहे हैं। हमें मैंडेटरी हॉलमार्किंग से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन उसके साथ इन्होंने एक HUID यूनिक हॉलमार्किंग आइडेंटिफिकेशन नंबर लागू कर दिया है, जिससे कि आज की डेट में हमारे काम में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हर HUID होने के लिए हर पीस को, हर 10 पीस में से एक पीस खराब हो रहा है जो हॉलमार्किंग लेबोरेटरी में ख़राब हो रहा है, उससे हमारा नुकसान बहुत हो रहा है। हमारे जितने भी सप्लाई चेन है वो बहुत स्लो हो गई है। सरकार को हम रिपीटेडली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने जो पोर्टल है, BIS का पोर्टल है, उसको थोड़ा इम्प्रूव करें, लेकिन वो BIS का पोर्टल इम्प्रूव नहीं हो रहा है। तो हमारा सरकार से ये निवेदन था कि जब तक ये आपके खुद के सिस्टम इम्प्रूव नहीं होते हैं, आप हमें थोड़ा सा इसका 6 महीने या साल की एक्सटेंशन दी जाए HUID के ऊपर। लेकिन गवर्नमेंट का भी कोई सुनने का वो नहीं है। हमारी बातचीत चल रही है तभी हमने आज एकता को शो करते हुए एक दिन की सांकेतिक हड़ताल रखी है। HUID के अगेंस्ट है हम ये। हमने आपस में बात करके पूरे हिमाचल में बहुत ही रूरल एरिया में सुना रहे हैं, छोटे छोटे गांव में उनके समझ से बाहर है ये बातें। फिर इन्होंने लिमिट भी रखी है 40 लाख रुपया, उससे नीचे जो है उनको ये HUID की ज़रूरत नहीं है। तो उस वजह से 40 लाख तो आजकल कुछ नहीं, एक 2-4 शादियों का सामान बने तो बन जाता है। तो उस वो भी लिमिट भी थोड़ी बढ़नी चाहिए। और ये जो एक प्रावधान रखा है इन्होंने वो तो बिल्कुल नाजायज जैसा है, किसी को साफ रखना भी मुश्किल है। तो ये जो गवर्नमेंट की मंशा है इसको थोड़ा सा द्वारा देखा जाए, द्वारा संशोधन किया जाए, तो जो रूरल एरिया हैं उनके लिए तो खास कोई स्कीम देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। तो इसलिए हम इसका एक दिन के लिए हड़ताल करके विरोध कर रहे हैं। जिला शिमला में विभिन्न विभागों के तहत प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी परियोजनाएं एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक बचत भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने की। इस दौरान उपायुक्त ने निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए अधिकारी तत्परता बरतें, ताकि कार्यों को तय सीमा अवधि में पूरा किया जाए और लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि छोटे कार्य जिनसे जन समुदाय के बड़े भाग को लाभ पहुँचे, उन्हें सूचीबद्ध कर 6 महीने के भीतर प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। जिला में विभिन्न विभागों के तहत प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक बचत भवन में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने की। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान विभिन्न विभागों के पास लंबित धन जो किन्हीं कारणों से कार्यों पर खर्च नहीं हुए हैं के संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाएं, ताकि पैसा संबंधित विभागों के अन्य कार्यों की पूर्ति के लिए व्यय किया जा सके। उन्होंने बताया कि उद्योग विभाग के तहत मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में निर्धारित 200 कार्यों में से
142 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, जिस पर 1,70,00,000 रुपए की राशि खर्च की गई है। मुख्यमंत्री दस्तकार योजना के तहत लक्षित 65 कार्यों में से 12 को पूर्ण कर लिया गया है, जबकि आगामी अक्टूबर माह तक शेष कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। उपायुक्त ने बताया कि पर्यटन विभाग के तहत नई राहें नई मंजिल योजना के अंतर्गत 5,31,00,000 रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 80% कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। जिला में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं को गति प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग के तहत कुमार सैन मंडल में 28 परियोजनाओं में से 8 परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है, जबकि 8 परियोजनाओं का 70% से अधिक कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। रामपुर के तहत प्रस्तावित 33 कार्यों में से 5 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। 17 कार्यों को 70% से अधिक पूर्ण कर लिया गया है, जबकि शेष कार्यों को पूर्ण किया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि टिक्कर खमाड़ी सड़क के कार्यों को गति प्रदान कर जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग वित्त 4 के तहत प्रस्तावित 85 विभिन्न निर्माण कार्यों में से 70 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, जबकि शेष कार्यों को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त आदित्य नेगी ने बताया कि लोक निर्माण विभाग रोडू मंडल के तहत प्रस्तावित 57 निर्माण कार्यों में से 20 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, जबकि 10 निर्माण कार्यों को 80% से अधिक पूर्ण कर लिया गया है और शेष 27 कार्यों को जल्द पूरा कर दिया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि अधिकारी समयबद्ध कार्यों को पूरा करने के लिए समन्वय स्थापित करें। कार्यों को पूरा करने में आने वाली समस्याओं और धन की कमी के संबंध में विस्तृत तौर पर सूचित करें, ताकि इस संबंध में सरकार को अवगत करवाकर धन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। आज एक जिला स्तरीय रिव्यू बैठक रखी गई थी, इसमें जो है सारे लाइन डिपार्टमेंट्स को और इसके अलावा जो अन्य विभाग भी हैं उन सबको बुलाया गया था और वहाँ पे जो ऑनगोइंग वर्क वगैरह हैं उसकी समीक्षा की गई थी। तो इसमें हमारे PWD के जो 3 सर्कल हैं शिमला रामपुर रोडू उनके SC, इसके अलावा जल शक्ति विभाग के जो 3 सर्कल्स हैं उनके अधिकारी, हमारे डिस्ट्रिक्ट डिविजन डेवलपमेंट ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर हस्बेंड्री एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर और तमाम जो अदर विभाग हैं वो सारे जो हैं आज यहाँ बैठक में आए थे। इसमें जो है एक एक विभाग के जो कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा की गई ब्रॉडली। इसमें जैसे PWD विभाग में जो बड़े बड़े काम चल रहे हैं उनकी समीक्षा की गई और उन्हें ये निर्देश दिया गया कि जो भी काम जो है वो समयबद्ध तरीके से पूरे करें उनको, और जहाँ पे भी कहीं काम में कोई दिक्कत आ रही है या जहाँ पे कहीं फंड्स की कोई कमी है या कोई कोऑर्डिनेशन का इशू है तो वो सारे इश्यूज जो है उनसे डिस्कस भी किए गए। तो इसके बाद जो है सारे जो है फाइनली ये डायरेक्शंस दिए गए हैं कि काम को जल्दी से जल्दी जो एग्जीक्यूट किया जाए ताकि जो है लोगों को इन जो है योजनाओं का लाभ मिले। इसके अतिरिक्त जो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ जो लोगों को जो जिनसे लोगों का जो है लाभ मिलता है, जैसे हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है या ICDS डिपार्टमेंट है या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, तो इन विभागों को कहा गया है कि वो ऐसे स्कीम्स को आइडेंटिफाई करें जिसमें जो है लोगों की डिमांड ज़्यादा है और जहाँ पर सरकार से उन्हें उतना बजट प्राप्त नहीं होता, वो उसके जो ये स्कीम जब वो आइडेंटिफाई करेंगे तो उस स्कीम्स को हम गवर्नमेंट के साथ टेकअप करेंगे ताकि उन स्कीम्स में जो है लोगों की डिमांड के अनुसार एडिशनल बजट उसमें प्रोवाइड किया जाए। जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बयान पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है। उन्हें कहा कि जिसे कश्मीर की जनता नकार चुकी है उसके बयानों पर ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए। हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 2 सालों से कश्मीर में विकास को गति मिली है और लेह लद्दाख की यूनियन टेरिटरी बनाने की मांग को भी पूरा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि महबूबा को समझ लेना चाहिए कि कश्मीर में धारा 370 और 35A हट चुकी है और आतंकवाद व हत्या के मामलों में भी काफ़ी कमी दर्ज की गई है। इस बात को समझ लें कि अनुच्छेद 370 35A सदा सदा के लिए जा चुका है। लेह लद्दाख की यूनियन टेरिटरी की मांग थी वो पूरी हो चुकी है। आतंकवाद की घटनाएं जम्मू कश्मीर में कम हुई है, हत्याएं कम हुई है, जम्मू कश्मीर विकास की पटरी पर तेजी से आगे भाग रहा है। और आप लोग कभी गृह मंत्री जी का भाषण अगर आप लोकसभा का सुने, उसमें उन्होंने उत्तर में जो विस्तार में बताया कि कितना काम हमने पिछले 2 वर्षों में, अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना, तो उस हिसाब से तो अभी 2 साल भी नहीं हुए, लेकिन वहां पर जो काम काज की रफ्तार है वो अपने आप में काबिले तारीफ है।
तो कुछ लोगों ने जिन्होंने वर्षों तक पीढ़ी दर पीढ़ी जिनके परिवार ने कुछ नहीं किया उनको यही लगा, और वो गुपकार गैंग भी बनाई तब भी कश्मीर के लोगों ने उनको नकारा है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने, तो उनकी बातों को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और भारतीय सेना की भर्ती होने जा रही है, जिसके लिए प्रदेश के युवाओं ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। कांगड़ा जनपद के युवाओं ने तो खेल नगरी धर्मशाला में ही डेरा डाल दिया है। यहां के विश्व स्तरीय सिंथेटिक ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए युवाओं ने बकायदा किराए के मकान लेकर तैयारियाँ शुरू कर दी है, ताकि पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और भारतीय सेना में भर्ती हो सके। हिमाचल प्रदेश में बहुत जल्द पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और भारतीय सेना की भर्ती होने जा रही है, जिसके लिए प्रदेश के युवाओं ने अपना पसीना बहाना शुरू कर दिया है। हिमाचल के युवा में हमेशा ही डिफेंस के प्रति बहुत रुझान रहता है। इस क्रेज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में आज भी 75% युवा 10वीं कक्षा में पहुंचते ही भारतीय सेना में जाने के सपने संजोने शुरू कर देते हैं, जिसके लिए वे ये भी नहीं देखते कि जहां वो दौड़ रहे हैं वो लिंक रोड है, हाईवे है या ग्राउंड है। वो हमेशा सेना में जाने के जुनून में खोकर रात दिन भर्ती की तैयारियां करते हैं। हालांकि बीते कुछ सालों से हिमाचल का युवा भी नशे की चपेट में जा रहा है, जिसको बचाने के लिए अब हिमाचल सरकार भी उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए जगह जगह स्पोर्ट्स एकेडमी और ग्राउंड बनाने की बात करने लगी है। इसी सिलसिले के तहत अब खेल नगरी धर्मशाला के सिंथेटिक ग्राउंड को भी इन आम युवाओं के लिए सुबह शाम की प्रैक्टिस के लिए खोल दिया गया है, ताकि वे यहां अपनी भर्ती की तैयारियां कर सके और ग्राउंड में इतना वक्त दे सके कि नशे से दूर रह सके। वहीं एथलेटिक कोच ने बताया कि उनका मकसद समाज में युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहन करने का रहता है। कोच ने कहा कि अगर आम युवा भी इन विश्व स्तरीय ग्राउंड का इस्तेमाल अपने उज्जवल भविष्य के लिए करना चाहते हैं तो उनका भी खुले दिल से स्वागत किया जाता है। न केवल उन्हें यहाँ प्रैक्टिस करने का मौका दिया जाता है, बल्कि उन्हें टिप्स भी दिए जाते हैं, साथ ही खेलों में भी हिस्सा दिलवाकर मोटिवेट किया जा रहा है। वहीं सुबह शाम भर्ती की तैयारी कर रहे युवा भी इन भर्तियों के लिए काफी उत्साहित दिखे। ये मोस्टली गाँव से है, कुछ यहीं से भी है, दूर दूर से आते हैं। ये है आजकल भर्ती है, पुलिस की भर्ती है, फॉरेस्ट की है, आर्मी की है, ये सभी जितनी भी डिफेंस की ट्रेनिंग है वो उसकी उस चीज़ के लिए यहाँ आते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, मोस्टली सारा जो धर्मशाला का एरिया है वो कवर किया हुआ है। इनको फिजिकल फिटनेस ग्राउंड से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं मोस्टली इनका मतलब सारी ग्रो होती है, फिजिकल फिटनेस से लेके बाकी जो है इनका जो इनका अपना सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ ग्राउंड का ही इनको फिटनेस के बारे में ही बताते हैं, अदर सोशल जो है जो एक्टिविटीज़ होती है उन सभी में इनका इनको पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी इंक्लूड गेम्स में जो है इनका बीच बीच में कुछ ना कुछ कॉम्पिटिशन जो है वो करवाते रहते हैं। और सभी मेरा एक दूसरे बच्चों को देख के एक्चुअली और मोटिवेट होते हैं ग्राउंड में आने के लिए, कि ये देखते हैं हमारे साथ वाले, हमारे जो भाई हैं या दोस्त हैं वो जा रहे हैं ग्राउंड, तो इससे दूसरे बच्चे भी मोटिवेट होते हैं। मैं भर्ती की तैयारी करने के लिए आए हूँ, यहाँ पे रनिंग, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज वगैरह सब सिखाते हैं, मैं आर्मी की, फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस वगैरह सब की। हमारे साथ यहाँ पे लगभग 70-80 हैं लड़के, यहाँ पे रनिंग होती है डेली और एक्सरसाइज भी करवाते हैं मैम, और वर्कआउट ही होता है डेली। मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि वो भी यहाँ पे आएँ और नशा नुशा छोड़ दें और ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग वगैरह करें, और ये जो भी है नशा वगैरह उनको छोड़ ही दें, मतलब नुकसान ही है उससे शरीर से और कुछ नहीं है। भर्ती पुर्ती की तैयारी करें, वो भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचे और नशे को छोड़ दें। मैं यहाँ सुबह शाम रनिंग करने आता हूँ, आजकल भर्ती का आ रही है, आर्मी की भर्ती आ रही है, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह की, सभी पुलिस वगैरह की, तो उसकी मैं यहाँ प्रैक्टिस करने आता हूँ रोज़ ही। मैं यहाँ लोकल ही हूँ उसको गाँव से, उनसे ये मेरे आग्रह कि क्या बोलते वो नशा ना करे, और वो जितने भी मेरे मित्र हैं वो क्या बोलते यहाँ आए ग्राउंड में और रनिंग वगैरह करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, नशे में कुछ नहीं रखा, बस ज़िंदगी बर्बाद है और फैमिली वगैरह सबको उनको बर्बादी हो रही है। सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आगामी 28 अगस्त तक स्कूलों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक छात्रों को स्कूल नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन नाहन में एक निजी स्कूल खुलेआम सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन स्थित एक निजी स्कूल द्वारा सरकार के आदेशों को दरकिनार करते हुए बच्चे स्कूल बुलाए जा रहे हैं। वहीं शिकायत मिलते ही SDM नाहन व जिला उप निदेशक उच्च शिक्षा स्कूल पहुंचे। इस दौरान उप निदेशक उच्च शिक्षा ने बताया कि स्कूल को शिक्षा विभाग और सरकार द्वारा जारी SOP का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। आ भी गए तो क्या पता
सकते, स्कूल बंद है, नहीं आ सकते। नहीं, गलत काम करने कौन बोल रहा है ना बच्चा? अगर टीचर चाहता है कि उसके डाउट्स क्लियर हो जाए तो उसमें कौन सी गलत बात होगी? बच्चा शादी में नहीं जा रहा, बच्चा बाजार में नहीं फिर रहा। अभी अनुराग की रैली हुई, इतनी भीड़ थी, वहाँ कोरोना नहीं था, यहाँ 10 बच्चों में कोरोना आ जाएगा क्या? आपको सरकारी नौसू को बोलो रैलियाँ भी बंद कर दे, मैं मानती हूँ रैलियाँ भी बंद करो, बाजार में फिरना भी बंद करो, सारे काम बंद कर दो, घर में बंद कर दो, ताला लगा दो बच्चों को। यद्यपि जो जिला सिरमौर के सभी स्कूलों को SOP जो शिक्षा विभाग ने जारी की है सबको भेज दी गई है, विद्यालय में बच्चों को बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है, जो भी विद्यालय अपना काम करे वो ऑनलाइन माध्यम से करे, इसके लिए SOP जो हमारे विभाग ने दी है वो सबको पता है। यद्यपि एक तो कहीं से पता लगने पर मैं यहाँ विद्यालय पहुँचा हूँ, इसमें विद्यालय परिसर में ही खड़ा हूँ, विद्यालय में जो भी निर्देश दिए जाने थे जो इनके प्रधानाचार्य चंदोला साहब उनसे बात हो गई है और उनको SOP को पूरी तरह से फॉलो करने के लिए कहा गया है, भविष्य में इस तरह की कोई बात ना हो इसके लिए इनको आगाह कर दिया गया है। के अनुसार कुछ इनको कुछ प्रवेश से संबंधित कुछ फॉर्मेलिटीज थी उनको पूरा करने के लिए बच्चों को सर्टिफिकेट देने के लिए आए थे। नहीं आ सकते आने का कोई प्रावधान नहीं है, किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए आए होंगे तो इनको मना कर दिया गया, कोई बच्चे विद्यालय में ना आए। मटौर फोरलेन की जद में आए ललहेड़ गांव के 17 प्रभावित परिवारों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने मांग की है कि फोरलेन को आबादी वाले क्षेत्र से ना ले जाकर गैर आबादी क्षेत्र में डाइवर्ट किया जाए जिससे कि वे दोबारा विस्थापित होने से बच सके। ग्रामीणों का कहना है कि पौंग बांध निर्माण के दौरान वे पहले ही विस्थापित हो चुके हैं, ऐसे में उन्हें दोबारा ना उजाड़ा जाए। यही नहीं, ग्रामीणों ने अपने घरों की चाबियां भी प्रशासन को सौंपी और कहा कि उनके बच्चों और पशुओं की जिम्मेवारी प्रशासन ले, यदि उन्हें कुछ होता है तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा। वहीं ADM रोहित ठाकुर ने बताया कि ग्रामीण फोर लेन को डाइवर्ट करने की मांग कर रहे हैं जिसे NHI के समक्ष उठाया है। उन्होंने बताया कि टेक्निकल टीम ललहेड़ क्षेत्र का दौरा करेगी जिसके बाद डायवर्जन पर फैसला लिया जाएगा। हमारी मांग ये है कि हम लोगों को जो है हमारे घर जो फोर लाइन के जद मारे हैं, तो हमारी इनसे यही मांग है कि हम लोगों को हमारे घरों को बचाया जाए, क्योंकि हम लोग जो आज से 45 साल पहले भी पोंग डैम से विस्थापित थे, तो हमारी यही मांग है कि हम लोग बार बार विस्थापित नहीं होना चाहते, क्योंकि हम लोगों ने एक बार पहले भी ये विस्थापित होने का दांत से जो है झेल चुके हैं। लेकिन हम जानते हैं फिर भी प्रशासन जो अभी भी सोया हुआ है, लेकिन अब बार बार प्रशासन अपनी बातों को जो पलट रहा है। सरकार जो है आपको मुआवजा देने की बात कर रही है, तो आप लोग क्या चाहते हैं? मुआवजा नहीं लेना चाहते या क्या मांग कर रहे हैं आप सरकार? सर हम लोग जो है मुआवजा नहीं लेंगे, क्योंकि जो मुआवजा हम लोगों को सरकार दे रही है उस मुआवजे से हम लोग जो है ना ज़मीनें खरीद पाएंगे आगे चल करके, ना घर बना पाएंगे, तो इससे हम ना मुआवजा लेंगे। जो भी है हम लोगों को बस यही मांग है इनसे कि हमारे घर बचा जाए, बाकी जो भी अल्टरनेट है घर के पीछे से खाली ज़मीनें पड़ी हुई वहाँ से निकाल लो या फ्लाई ओवर निकाल लो, हमको लोग कोई एतराज नहीं है, क्योंकि जब पहले बाईपास बना तो हम लोगों ने खुशी खुशी अपनी ज़मीनें दी थी इनको बाईपास बनने के लिए, हम लोगों ने उस टाइम कोई एतराज नहीं किया था। लेकिन अब फिर से हम लोगों को मतलब जो भी था, हम लोग गरीब 15 परिवार हैं पहले से विस्थापित हैं, अब दूसरी बार फिर से हम लोगों को जो है ये विस्थापित कर रहे हैं। देखिए जैसे ललेड़ के यहाँ पे वहाँ के निवासी यहाँ पे सुबह से लगभग अपने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो फोर लेन का कार्य है उसको उनके क्षेत्र में ना ले जाके वो फोर लेन किसी और जगह से डाइवर्ट कर दिया जाए। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा क्योंकि ये एक्विजिशन प्रोसेस जो है वो NHI के माध्यम से किया जाता है, इसमें एक NH एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। सबसे पहले सबको मालूम है जब नोटिफिकेशन 3A की आती है तो ऑब्जेक्शन इन्वाइट किए जाते हैं, किसी व्यक्ति का कोई इसमें ऑब्जेक्शन हो तो वो बता सकते हैं। 3A के बाद जब मैंडेटरी पीरियड ऑब्जेक्शंस का रहता है उसको एग्जॉस्ट करने के बाद ही 3D की जाती है, और एक बार 3D जब हो जाती है तो उसमें लैंड जो है वो वेस्ट कर दी जाती है NHI के पास। चूंकि इसमें कोई डायरेक्टली जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल नहीं है, बट जहाँ तक मुआवजे की बात है कि मुआवजा नहीं लेंगे, मेन इनका ग्रीवांस यही है कि वहाँ से ना बनाते हुए किसी और जगह से डाइवर्ट कर दी जाए, तो उसमें हमने NHI के साथ टेकअप किया है मैटर, बिकॉज ये NHI का ही मैटर है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NH एक्ट के माध्यम से जो है लैंड एक्वायर करती है और सड़क बनाती है। उनके साथ अभी बातचीत का सिलसिला जारी है, अभी तक एग्जैक्टली कॉन्क्रीट तो हमारे पास कोई भी उनका तरफ से मैसेज नहीं आया है कि किस तरह से जो है वो CUS में आ सकेगा, चेंज ऑफ स्कोप ऑफ वर्क हो सकेगा, या फिर वहाँ पर कोई और व्यवस्था की जा सकती है।
मैंने अभी मिलने से पहले भी रीजनल ऑफिसर NHI से बात की थी और PD NHI के साथ भी बात की है। वो कह रहे हैं कि उनका टेक्निकल टीम एक बार यहाँ पे विजिट करेगी, प्रोबेबिलिटी देखेगी, बट चूंकि ये फाइनल डिसीजन NHI का ही लिया जाना है कि पॉसिबिलिटी है भी है वहाँ पे डाइवर्जन की या कुछ और तरीके से लोगों को रिलीफ दिया जा सके, तो अभी मेरा कहना तो उसमें उचित नहीं होगा, बट लगातार जो है NHI से बात कर रहे हैं, होपफुली इसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा, बट फाइनल से इसमें NHI का ही रहने वाला है। हिमाचल खबरनामा के इस संग में इतना ही, नमस्कार।